जिला आर्य प्रतिनिधि सभा मुजफ्फरनगर की मासिक बैठक आर्य समाज शहर में अनूप सिंह आर्य की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें मुख्य रूप से सत्य मुनि आर्य, आर्य प्रतिनिधि सभा मुजफ्फरनगर के प्रधान आनंद पाल आर्य, प्रधान गजेंद्र राणा, मंत्री दीपक त्यागी, उपमंत्री अनूप सिंह राठी, एडवोकेट पुस्तकालय अध्यक्ष चंद्रवीर चौधरी, शहर आर्य समाज मुजफ्फरनगर के प्रधान मुकेश आर्य, वीरेंद्र बालियान, एडवोकेट मोहित कुमार आर्य, सत्यवीर आर्य आदि लोग मौजूद रहे। जी सर, आपका नाम? मुकेश आर्य मेरा नाम है। किस तरह कार्यक्रम? आर्य समाज का प्रधान हूँ और जिला सभा, आर्य जिला सभा जो मुजफ्फरनगर की है, इसने एक संकल्प लिया कि हर रविवार को, महीने के रविवार को दूसरे को एक संकल्प लिया है कि हर जगह, जैसे ये पार्क है, अगली बार हमारा डीएम कार्यालय में होगा, यज्ञ किया जाएगा रुवातरण शुद्ध करने के लिए, लोगों को जागरूक किया जाएगा, क्योंकि लोगों का यज्ञ के प्रति जो रुचि थी वो कम होती जा रही है और हमारा सर्वश्रेष्ठ जो है वो यज्ञ करना ही है। बाकी मंत्री जी का प्रोग्राम आ गया, ये बताओ। जी सर, मैं अनूप सिंह राठी, एडवोकेट, उपमंत्री, जिला आर्य प्रतिनिधि सभा मुजफ्फरनगर। हमारा कार्यक्रम हर महीने के द्वितीय रविवार को रहता है, मासिक मीटिंग होती है। उसके उपरांत हम सब जिले की आर्य प्रतिनिधि सभा ने निर्णय लिया है कि हर महीने के दूसरे रविवार को यज्ञ का कार्यक्रम अच्छी अच्छी संस्थाओं, अच्छी जगह पर किया जाएगा। अगला कार्यक्रम जो होगा, बीच में समय भी निर्धारित कर दिया जाएगा और द्वितीय रविवार होगा दिसंबर का, या इससे पूर्व भी कोई कार्यक्रम हो तो माननीय जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के समक्ष किया जाएगा, तिथि निर्धारित कर ली जाएगी। जिला आर्य प्रतिनिधि सभा, शहर आर्य समाज सबसे विचार विमर्श करके उसका निर्णय ले लिया जाएगा और तिथि, अगला कार्यक्रम जो होगा जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के बाद यज्ञ का होगा। 3 घंटे का कार्यक्रम चलेगा। सभी को मैं अपनी तरफ से जिला प्रधान, जो हमारे जिला प्रतिनिधि सभा के आनंद पाल जी से, मंत्री दीपक आर्य जी हैं, दीपक त्यागी जी हैं, शहर आर्य समाज के प्रधान मुकेश आर्य जी हैं, हमारे उप प्रधान श्री गजेंद्र राणा जी हैं, ये सभी आर्य जनों के साथ उपस्थित रहेंगे और बड़ी संख्या में 400-500 लोगों का हमने कार्यक्रम निर्धारित किया है। जल्दी ही उस 10-15 दिन के अंदर ही हम जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के बाहर हवन का, यज्ञ का कार्यक्रम होगा, सब उसमें उपस्थित रहेंगे। और मैं जिले के सभी निवासियों से निवेदन करता हूं कि पर्यावरण शुद्धि के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, आर्य समाज के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ आए, हमारा सहयोग करें। यज्ञ जैसे उत्तम कार्य में हमारे जो है सम्मिलित होकर, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें प्रोत्साहित करें, अच्छे कार्यों के लिए हमें प्रोत्साहन प्रदान करें। इसी निवेदन के साथ